दोस्तों आज बात करेंगे स्कॉच विस्की की दुनिया में सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन नाम के बारे में 100 पाइपर्स ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दी विस्की वीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही है कि 100 पाइपर्स के तीन वेरियंट्स आते हैं मार्केट में। सबसे पहले आता है डीलक्स वेरियंट, उसके बाद आता है 100 पाइपर्स एट ईयर ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की, टॉप ऑफ द लाइन आता है 12 साल वाला वेरियंट। तो आज जानेंगे कि कैसे ये स्कॉच विस्की की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन गई। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ मजेदार फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि 100 पाइपर्स इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग स्कॉच विस्की है? जी हां, हर 4 पैक जो इंडिया में सेल होता है उसमें से एक पैक 100 पाइपर्स का होता है। कितनी बड़ी बात हो जाती है। और 100 पाइपर्स इंडिया की एक लौती ऐसी स्कॉच विस्की है जिसने 1 मिलियन केसेस की सेल को भी टेक ओवर कर दिया है। तो जब भी बात आती है नंबर्स के ऊपर तो 100 पाइपर्स हमेशा टॉप ऑफ द लाइन रहती हैं। और गाइज ये जो नंबर्स है ऐसे ही अचीव नहीं होते, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, पूरा एक स्किल्स है जो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और यही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे 100 पाइपर्स ने क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया और कैसे ये नंबर 1 स्कॉच विस्की बन गई इंडिया में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही है कि स्कॉच बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्स लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और इवन कि जनरेशंस निकल जाती है एक अच्छी स्कॉच बनाने के लिए। लेकिन फाइनली सीग्रम्स ने ये कर दिखाया है 100 पाइपर्स के साथ। 100 पाइपर्स में जो स्कॉच विस्की यूज़ की जाती हैं वो स्कॉटलैंड के सभी रीजन से ली जाती हैं। रिच टेक्सचर वाली स्कॉच विस्की को लिया जाता है स्पेसाइड रीजन से, स्मूथ टेक्सचर वाली स्कॉच विस्की को लिया जाता है हाइलैंड रीजन से, और स्मोकी टेक्सचर वाली स्कॉच विस्की को लिया जाता है आइसले रीजन से। और इन सभी स्कॉच विस्कीज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जो कि आज हमें 100 पाइपर्स के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ है? चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। हम लोग तो नॉर्मली जाते हैं वाइन शॉप पे और फटक से बोल देते हैं एक 100 पाइपर्स की बॉटल देना, लेकिन उस बॉटल को तैयार होने में, उस स्कॉच को बनने में क्या स्टोरी है, क्या उसकी लेगेसी है, ये सब कुछ हमें जानना चाहिए। 100 पाइपर्स बनाने के लिए उन्होंने 50 से ज़्यादा स्कॉच विस्की को सिलेक्ट किया और उसकी एक लाइब्रेरी बनाई, और उस विस्कीज के साथ उन्होंने 500 से ज़्यादा 517 डिफरेंट ब्लेंड्स बनाए, टेस्ट किए, उन्हें जो है मास्टर ब्लेंडर्स को टेस्ट करवाए, और फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे पास आया 100 पाइपर्स, उसमें 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉच विस्कीज का यूज़ किया जाता है। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी, 500 से ज़्यादा ब्लेंड्स को बार बार ट्राई किया होगा और फाइनली जो सबसे बेहतरीन वाला, सबसे शानदार वाला ब्लेंड होगा वो हमें मिलता है 100 पाइपर्स की बॉटल में। दोस्तों 100 पाइपर्स ने इंडिया में ईयर 1995 में सबसे पहले अपना डीलक्स वेरियंट को लॉन्च किया था, और भाई तब से लेके आज तक कोई और स्कॉच विस्की इसको कभी भी टक्कर नहीं दे पाई। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इस वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट में जो भी आपको विस्कीज का ब्लेंड मिलेगा उसको मिनिमम 3 साल के लिए मैच्योर करवाया गया है अमेरिकन ओक कास्क में। यही वजह है कि इसका जो टेस्ट है इतना ज़्यादा स्मूथ है, इतना ज़्यादा रिफाइन है। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, थोड़ा सा और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस स्कॉच विस्की को बनने के लिए एक वेटिंग प्रोसेस से निकलना पड़ता है। वेटिंग प्रोसेस क्या होती है मैं थोड़ा सा आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। इसमें जो ब्लेंड है मॉल्ट विस्कीज़ का और ग्रेन विस्कीज़ का, उसे एकदम से ही स्टार्टिंग में ही ब्लेंड नहीं किया जाता है। मॉल्ट विस्की को ब्लेंड किया जाता है मॉल्ट विस्कीज़ के साथ, और ग्रेन विस्कीज़ को ब्लेंड किया जाता है ग्रेन विस्कीज़ के साथ। और इस प्रोसेस के दौरान उनकी टेस्टिंग होती है, उनको टेस्ट किया जाता है, उनके टेस्ट होते हैं, क्वालिटी टेस्ट होते हैं, और लास्ट में फाइनली इनको फिर से ब्लेंड किया जाता है, और ब्लेंड करने के बाद दोबारा से इनका टेस्ट होता है और क्वालिटी टेस्ट होता है। तो आप देखो कि एक स्कॉच विस्कीज का 3 से 4 बार वो क्वालिटी टेस्ट करते हैं, उनको पी के देखते हैं कि भाई हाँ इसका टेस्ट सेम है, सिमिलर है, क्या इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। और जब ये सब क्वालिटी चेक्स हो जाते हैं, 3 बार वो पी के देखते हैं, तो फाइनली इसको बॉटल में पैक किया जाता है।
तो जब भी आप अपनी 100 पाइपर्स की बॉटल को बाय करते हो तो आपको सेम टेस्ट मिलता है, हमेशा सेम क्वालिटी मिलती है, आपको एक टॉप नॉच क्वालिटी का प्रोडक्ट हमेशा ही मिलेगा। दोस्तों 100 पाइपर्स की लाइनअप में दूसरा जो प्रोडक्ट हमें मिलता है ये है 100 पाइपर्स 8 ईयर ओल्ड ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की। मेरे हिसाब से आज तक इस प्राइस रेंज में कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हुआ जो ये हमें क्वालिटी प्रोवाइड करती है, जो ये टेस्ट प्रोवाइड करती है, भाई वो टॉप नॉच है। रिसेंटली लॉन्च हुआ है, थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन भाई इसने अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग कर रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है ये इसकी ए स्टेटमेंट और इसका ब्लेंड। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ गाइज, ये एक लौती ऐसी स्कॉच विस्की है अपने सेगमेंट में जिस पे आपको 8 साल वाली ए स्टेटमेंट मिलेगी। चलिए ए स्टेटमेंट तो मिलेगी, लेकिन भाई ये एक ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है, इसमें बिल्कुल भी ग्रेन विस्की इसका यूज़ नहीं किया, सिर्फ सिंगल मॉल्ट को यूज़ किया गया इसको बनाने में। तो आप सोच सकते हो कि जिस प्राइस रेंज में ये हमें इंडिया में मिल रही है, भाई मुझे नहीं लगता कि कोई और स्कॉच विस्की ऐसा ब्लेंड हमें प्रोवाइड कर रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉल्ट का यूज़ किया गया है। बॉटल भी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको पोर करता हूँ क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है और मुझे इस लाइन में अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे तो तीनों ही प्रोडक्ट अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन लेटेस्ट है, नई चीज़ के साथ आया है, ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है, तो मैं ज़्यादा इसको आजकल प्रेफर कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको पोर करता हूँ ग्लास में और थोड़ा सा इसके टेस्ट के बारे में भी आपको बताता हूँ कि ये पीने में कैसी है। तो चलिए अपनी बॉटल को ओपन करते हैं और थोड़ा सा पोर करते हैं इसको अपने ग्लास में। गाइस जैसे ही मैंने इसको पोर किया ग्लास में, बिलीव मी जो एनवायरनमेंट है कितना ज्यादा हैपनिंग हो गया है, इतना अच्छा अरोमा इसमें से आ रहा है। तो चलिए जल्दी से इसकी नोजिंग करते हैं। ऑन द नोज वेरी फ्रूटी, एप्पल्स, सिनेमन का काफ़ी अच्छा अरोमा इसमें से आ रहा है, पियर्स का काफ़ी अच्छा अरोमा इसमें से आ रहा है, सम हनी। चलिए अब टेस्ट करते हैं, चीयर्स। वाओ लवली लवली लवली, वेरी इजी टू गल्प। जैसे ही आप इसको पियोगे भाई एक फ्रूट्स का ब्लास्ट आपके माउथ में होगा, इतना अच्छा फ्रूटी टेस्ट आपको मिलेगा। अ हिंट ऑफ जेंटल स्मोक, पियर्स का टेस्ट काफ़ी अच्छे से आ रहा है, रेड एप्पल्स का टेस्ट काफ़ी अच्छे से आ रहा है। भाई जिस प्राइस रेंज में ये इंडिया में लॉन्च हुई है ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा टेस्ट कोई और स्कॉच विस्की प्रोवाइड करती होगी। जो इसमें सिंगल मॉल्ट यूज़ हुई है, जो ब्लेंड डाला गया है, ईजिली लग रहा है कि यार हाँ इतनी ज़्यादा स्मूथ है। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये ब्लेंड एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि सच में मुझे पीने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। दोस्तों लास्ट में टॉप ऑफ द लाइन आती है 100 पाइपर्स 12 ईयर ओल्ड। ये 2012 में इंडिया में लॉन्च हुई थी और भाई अपने सेगमेंट में एकलौती ऐसी स्कॉच विस्की है जिसके ऊपर 12 साल वाली एज स्टेटमेंट मिल रही है। जी हाँ, कितनी बड़ी बात हो जाती है। नॉर्मली जब मैं भी कोई स्कॉच विस्की बाय करने के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले मैं एज स्टेटमेंट की तरफ देखता हूँ क्योंकि एज मैटर्स। जी हाँ, जितनी ज़्यादा वो एज होगी उतनी ज़्यादा स्मूथ होगी, उतनी ज़्यादा रिफाइन होगी। तो जब भी इस सेगमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 100 पाइपर्स हमें 12 साल वाली स्कॉच विस्की प्रोवाइड करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी स्कॉच विस्कीज़ का ये ब्लेंड है, चाहे वो ग्रेन विस्कीज़ है, चाहे वो मॉल्ट विस्कीज़ है, सबको मिनिमम, जी हाँ ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम 12 साल के लिए एज करवाया गया है। हो सकता है ज़्यादा एज वाली भी हो, लेकिन 12 साल से कम कोई भी एज स्टेटमेंट वाली इसमें ब्लेंड नहीं होगी। तो ये एक ऐसी ऑप्शन बन जाती है अपने सेगमेंट में, टॉप ऑफ द लाइन आ जाती है क्योंकि भाई कोई टक्कर ही नहीं है यार, कोई और स्कॉच विस्की हमें ये फीचर प्रोवाइड ही नहीं कर रही, तो बाकियों की क्या बात करनी। तो मुझे लगता है कि 100 पाइपर्स की ये सारी चीज़ें कंबाइन करके एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बन जाता है कि इनकी कोई और भी टक्कर नहीं होती। लास्ट में एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है
कि ये इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है भाई। 100 पाइपर्स शुरू से लेके अब तक हमें ये कैनिस्टर पैकिंग दे रहा है, कितनी शानदार पैकिंग दे रहा है। कोई और स्कॉच विस्की मुझे नहीं लगता कि ऐसी पैकिंग प्रोवाइड कर रही है, लेकिन स्टार्टिंग से लेके अब तक ये हमें टॉप नॉच क्वालिटी की पैकिंग ले रहे हैं। तो जब भी आप इसकी बॉटल बाय करोगे तो बॉटल वैसे ही होल्ड करने में, पैकिंग होल्ड करने में कितनी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, तो ऐसा एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि कोई और स्कॉच विस्की हमें प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसा कम्बिनेशन बन गई, एक ऐसा बेतोड़ कम्बिनेशन बन गई जिसका आज तक कोई भी तोड़ नहीं निकला। तो गाइस 100 पाइपर्स एक मस्ट हैविंग स्कॉच विस्की है। अगर आप एक स्कॉच लवर हो तो 100 पाइपर से आपसे हमेशा से शुरुआत होनी चाहिए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।